बक्सर, बक्सर हमारे जो मैनेजिंग एडिटर हैं वो वहीं से आते हैं संत जी, तो उनको अगर आना होगा तो बक्सर से 120 किलोमीटर का लिंक एक्सप्रेसवे और वो ड्राइव करके पहुंच सकते हैं दिल्ली जल्दी, क्योंकि देखिए ये जो समय यहां से लगता था, लखनऊ से अगर आपको जाना है इस एक्सप्रेसवे की जो दूरी है, अगर उतनी दूरी आपको पहले तय करनी थी तो लगभग 8 से 9 घंटे लगते थे, लगभग 8 से 9 घंटे लगते थे, और अब आप जा सकते हैं जहां ये एक्सप्रेसवे खत्म होगा वहां से आप सीधे दिल्ली तक 10 घंटे में पहुंच सकते हैं। बड़ी बात आप कह रही हैं, लखनऊ से गाजीपुर 8 घंटे लगते थे और आप दिल्ली से लेकर गाजीपुर से दिल्ली आप 10 घंटे में पहुंच जाएंगे। मतलब ये गेम चेंजर इसीलिए कह रहे हैं, और ये जो इसमें बात करते हैं सुमेरा, ये गेम चेंजर कहा जा रहा है कि गेम पलट सकता है इससे। आप देखिए एक्सप्रेसवे भी यूपी में सियासत का, जमुना एक्सप्रेसवे लखनऊ आगरा, हर सरकार, मायावती सरकार में एक्सप्रेसवे, अखिलेश सरकार में एक एक्सप्रेसवे और ये योगी सरकार में एक्सप्रेसवे। देखिए एक्सप्रेसवे यूपी की राजनीति में इसलिए भी बहुत अहमियत रखता है क्योंकि उत्तर प्रदेश की सड़कों की जो हालत रही है वो लोगों को बहुत सीधे तौर पर परेशान करती रही है। लोगों की एक बड़ी समस्या है, आम लोगों की बड़ी समस्या है, कनेक्टिविटी की बड़ी समस्या है। पूर्वांचल एक ऐसा क्षेत्र है जो औद्योगिक लिहाज से भी, विकास के लिहाज से भी काफ़ी पीछे रहा है, उसको इस विकास की ज़रूरत है उस इलाके को। लेकिन एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द राजनीति अखिलेश भी करते रहे हैं, वो उनका कार्ड है जिसको वो बार बार बताते हैं कि कैसे उन्होंने काम किया है, एक्सप्रेसवे उन्होंने बताया है, तो उनके उस कार्ड को फेल करने के लिए ये योगी सरकार का कार्ड है जहां वो बताएंगे देखिए हमने आपसे बड़ा एक्सप्रेसवे बना दिया, हमने आपसे अच्छा एक्सप्रेसवे बना दिया, और इसी एक्सप्रेसवे पर अब अखिलेश भी एक यात्रा लेकर निकलेंगे फिर। और देखिए आपने चूंकि जिक्र कर दिया अखिलेश यादव का, कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सुमेरा, मैं उसमें मौजूद था, आप स्टूडियो से एंकरिंग कर रही थी, मैं वहाँ मौजूद था, और आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ, ये अजय दिखाइएगा, जो बीच का आप देख रही हैं, जो बीच का जो फासला देख रही हैं, इस मीडियन की बात लगातार करते हैं अखिलेश यादव, उनका कहना है कि इंडियन रोड कांग्रेस का जो मानक है वो पूरा नहीं हुआ है। गवर्नमेंट का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमने तो आपसे बेहतर एक्सप्रेसवे बनाया है। मतलब एक्सप्रेसवे को लेकर के यूपी की सियासत किस तरह से रोल आउट हो रही है, अपने अपने दावे हैं। ये बात जारी रखेंगे, लेकिन मैं कहूंगी कि हम ये भी दिखाएं, देखिए ये 6 लेन एक्सप्रेसवे है, लेकिन आप जो साइड में देख रहे हैं ये कनेक्टिविटी के लिए भी है, और ये एक्सप्रेसवे बढ़ाया भी जा सकता है, यानी इसे 8 लेन तक किया जा सकता है, और ये एग्जिट पॉइंट्स अभी बहुत सारा काम है जो साथ साथ चल भी रहा है। बिल्कुल, और आप देखिए ये जो गांव है, ये जो आसपास के गांव है ना, ये भी अपने आप में माना जा रहा है कि ये एक अर्थव्यवस्था के लिहाज से और राजनीति के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए, जो आप बात कर रही थी विधानसभा सीटों की बात कर रही थी, पूर्वांचल में कुछ छूट नहीं रहा है, अगर आप जो लिंक एक्सप्रेस वे उनको जोड़ लीजिए, ये जितने सारे गांव हैं इन पे जो असर पड़ा है, ये असर बड़ी बात है। अब ये असर EVM पे कितना जाएगा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इस बात की संभावना जताई जा रही है कि असर पड़ेगा, कितना पड़ेगा और किस रूप में पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कोशिश यही है कि ये जो 28 जिले हैं लगभग पूर्वांचल के और उनकी 164 सीटें हैं, उन्हें सीधे तौर पर ये संदेश दिया जाए कि देखिए हम इस इलाके में विकास करने के लिए गंभीर हैं, विकास को किस तरह से करना चाहते हैं उसकी एक वानगी है, और कैसे इससे और बहुत कुछ जुड़ेगा, क्योंकि ये लगातार बताया जा रहा है कि सिर्फ एक्सप्रेसवे नहीं है, एक्सप्रेसवे तो अपने आप में बड़ी बात है, और वो कैसे जोड़ रहा है, कैसे आपकी कनेक्टिविटी और यहाँ पर विकास को उससे कैसे जोड़ा जाएगा, उसको लेकर भी एक लंबा चौड़ा प्लान है, क्योंकि अगले महीने से उसको लेकर भी अधिग्रहण शुरू हो जाएगा, जो क्लस्टर्स बनाने की बात हो रही है, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाने की बात हो रही है। तो सिर्फ एक्सप्रेसवे के जरिए और एक्सप्रेसवे के साथ साथ कैसे विकास को उससे जोड़ना है, उद्योग को उससे जोड़ना है, इसका भी पूरा खाका तैयार है, ये बताने की कोशिश है, ये बड़ा संदेश है, वो लोगों के समझ में आएगा या नहीं वो जरूर समय बताएगा। देखिए हम इस समय एक पुल से गुजर रहे हैं, पुल भी बड़े इसमें अहमियत रखते हैं, इसमें जो पुल हैं इसमें 7 बड़े पुल हैं, आप सोचिए 7 ROB हैं, रेलवे ओवर ब्रिज हैं, 118 छोटे पुल हैं, और अंडरपास 271 के पार हैं। ये संख्या मैं इसलिए आपसे बयां कर रहा हूं कि बनाने का जो तरीका है वो भी बड़ा अहम है, और गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमने जो एक्सप्रेसवे ये बनाया हुआ है इस पर जब आप चलेंगे तो इतनी स्मूथ ड्राइविंग है ये
कि आपको लगेगा नहीं कि आप यूपी जैसे राज्य में कल्पना कर सकते थे कि ऐसा स्तर से आपको मिलेगा? सूद तो है, ये बात तो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि हम खड़े हैं और हम इस ओपन जीप में सफर कर रहे हैं और हमारे कैमरामैन भी खड़े हैं और हम आप जो बात कर रहे हैं कैमरामैन मुस्कुरा रहे हैं इस समय अजय।